उस दौरान अजय और करिश्मा का ब्रेकअप बहुत कड़वाहट के साथ हुआ था, लेकिन वक्त के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अजय देवगन और काजोल की शादी को 14 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो वहीं करिश्मा की जिंदगी में अब तक ठहराव नहीं आया है। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटी तो पति संजय कपूर से शादी। साल 2002 में 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर अभिषेक करिश्मा के एंगेजमेंट की घोषणा की गई। जया बच्चन ने करिश्मा को बहू बनाने की अनाउंसमेंट की और उन्हें बच्चन फैमिली के साथ खड़े होने के लिए बुलाया। करिश्मा और अभिषेक का प्यार अब शादी के बंधन में बंधने जा रहा था और करिश्मा इससे काफी खुश थी। What does it feel like to be a daughter-in-law, a Bachchan to be? Well, I think that's a very personal question, but I just like to say it feels wonderful to be a part of this family. What does it feel like to be a daughter-in-law, a Bachchan to be? Well, I think that's a very personal question, but I just like to say it feels wonderful to be a part of this family. लेकिन एंगेजमेंट के 4 महीने बाद ही एक ऐसी खबर आई कि पूरा बॉलीवुड चौंक पड़ा। अभिषेक करिश्मा की मंगनी टूट चुकी थी। हर तरफ एक ही सवाल था, क्यों टूट गई अभिषेक करिश्मा की मंगनी? और ये सवाल बॉलीवुड का सबसे बड़ा राज बन गया। अभिषेक करिश्मा के ब्रेकअप के काफी दिनों बाद जया बच्चन ने इस बात का खुलासा किया और कहा कि अभिषेक करिश्मा के अलग होने का दोष पेरेंट्स को नहीं दिया जाना चाहिए। खुद अभिषेक ने ये मुश्किल फैसला लिया था और एंगेजमेंट तोड़ी। खुद अभिषेक के लिए करिश्मा से अलग होना एक बड़ा झटका था, लेकिन उस दौरान उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। I think I'd be dishonest if I said no. Yeah, it has. करिश्मा की लाइफ में ये दूसरा ब्रेकअप था, पहले अजय देवगन और अब अभिषेक बच्चन। करिश्मा फिल्मी पर्दे पर जितनी कामयाब थी, निजी रिश्तों में हर बार उन्हें नाकामी मिल रही थी। बॉलीवुड की छोटी सी दुनिया में वो अक्सर अजय देवगन और अभिषेक से टकरा ही जाती थी। अभिषेक से ब्रेकअप के बाद तो कभी भी करिश्मा ने उनसे नजदीकी नहीं जताई, लेकिन अजय देवगन के साथ साल 2001 के बाद कई फिल्मों में काम करने की बात चली। साल 2001 में आई फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में पहले करिश्मा काम करने वाली थी, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से करिश्मा अजय के साथ इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थी और फिर माधुरी दीक्षित ने करिश्मा वाला रोल किया था। अजय देवगन के साथ करिश्मा की इस तस्वीर से भी साफ जाहिर हो जाता है कि बाद के दिनों में अजय के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो गए थे। करिश्मा, अजय और अनिल कपूर की ये तस्वीर साल 2002 की है। बॉलीवुड में अक्सर अजय देवगन और करिश्मा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में इनका आमना सामना होता रहता है और ये एक दूसरे से अब नजरें नहीं चुराते। करिश्मा अब अजय के साथ साथ काजोल से भी फ्रेंडली है। अजय और करिश्मा का अफसाना वैसे भी अब 20 साल पुराना हो चुका है, पर अतीत की उन कड़वाहटों को वक्त ने इन दोनों के बीच से खत्म कर दिया है। करिश्मा ने संजय कपूर से शादी रचाई थी जो कि कामयाब नहीं रही, और अब खबर है कि एक बार फिर उनकी लाइफ में कोई प्यार बनकर आया है। चलिए दुआ करते हैं कि करिश्मा का ये रिश्ता कामयाब रहे। तो इसी के साथ तेरी मेरी कहानी में आज के लिए बस इतना ही।